नमस्कार दोस्तों, भारती के किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सत्तू कढ़ी। तो उसके लिए मैं 1 कटोरी पालक काट के ले ली हूँ, डंठल तोड़ कर और खाली पत्ते पत्ते धोकर और काट लिए हैं। और 1 कटोरी ये सत्तू ले लिए हैं, 1 कटोरी ये दही। उनको पूरा मैथ करके मिला लीजिए इसको, दही को। और एक बर्तन ले लिए हैं, इसमें दही डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और सत्तू डालकर इनको मिक्स कर लेंगे। ध्यान में रहे कि लम्स ना पड़े, इनसे गुठलिया ना पड़े, बढ़िया से मिला लेंगे थोड़े थोड़े डालकर। ये कढ़ाई में गरम करके छोटा चम्मच 2 चम्मच में तेल डाल दी हूँ। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और 1 इंच हींग। और ये तड़क जाएगा जीरा, तब हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। इसको मिला कर फिर हम पालक डालेंगे। थोड़ी देर देखिए कलर चेंज हो गया। यहीं पर हम डालेंगे ये घोल जो बना के रखे हैं सरसों का। सत्तू का घोल हम डालेंगे। देखिए पालक कैसे हो गया, गल गया। और जितना जरूरत हो उतना या पानी डालिए इसमें अपने हिसाब से। यहीं पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर। और 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे इनको मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट हो गया कढ़ी पकते हुए। देखिए ये तैयार हो गया बंद कर। अब हम यहीं पे गैस बंद कर देंगे और ढक देंगे। और इसमें इसका स्वाद बढ़ाने के लिए कढ़ी में कढ़ी पत्ता और राई का तड़का लगाएंगे। तो हम गैस जला लेते हैं और पैन रख लेते हैं का पैन। और इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, तेल डाल के गरम कर लेंगे। गरम हो गया तो यहीं पर हम गैस बंद कर देंगे और ये राई डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, चटका लेंगे, चटक जाएगा तो अब इसमें डाल देंगे, ढक देंगे। देखिए कढ़ी बन के तैयार हो गई सत्तू कढ़ी। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।